भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था महाराज, भोले बाबा ने पूछा था देवी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो हमसे मांगो, आज की पत्नी होती तो 70,000 रुपए गोदरेज की अलमारी मांग, 80,000 की अलमारी आती, जोर से बोलो जय श्री हरि। और जरा आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो एक घंटा भी खोल करके बैठ के टीवी थोड़ी देर सुनेंगे तो थोड़ी देर शांति मिलेगी, हमारे मन को शांति मिलेगी। माता श्री पार्वती, वो एक ऐसा समय था ना कोई माइक लगा था, ना कोई पंडाल था और ना कोई व्यवस्था थी, बड़ी बड़ी बरगद के पेड़ की वो शाखाएं उस वृक्ष के नीचे बैठी है भगवती अम्बा पार्वती, और कथा सुनाने वाला ऐसी कथा सुना रहा है ना कि तीनों लोकों में आवाज जा रही है शंकर भगवान की, और सुनने वाला कोई नहीं। नंदेश्वर महाराज दूर खड़े पहरा दे रहे। राम जन्म के अंतर्गत तमाम नई बातें बतानी है, सूर्य वंश का वर्णन करना है। उस सूर्य वंश के महान वंश में भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज का पावन प्राकट्य होना है। तो आइए, माता श्री पार्वती ने भगवान शंकर से यही मांगा, अरे कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल यही दो महाराज मुझे कारी, सोई पूछन चाह से कुमारी, सोई पूछन चाह से कुमारी, कथा जो सकल श्री पार्वती ने भगवान श्री महादेव से ऐसी कथा की अचना की है, ऐसी कथा को मांगा है जो सुनेगी माता श्री पार्वती और कल्याण होगा पूरे संसार का। ये परमार्थ की भावना माता श्री पार्वती में है। वो परमार्थ की परीक्षा भगवान शंकर ने तो शुरू में ले ली थी ना, कल हमने आपसे चर्चा की थी कि भगवान श्री शंकर ने विवाह के पहले और हमको लगता है माता पार्वती ने सभी माताओं को, भारत की समस्त स्त्रियों को परोपकार की भावना तो प्रसाद की जैसे बांट दी। बोलो पार्वती मैया की, दूसरा कोई भोजन के लिए पूछे ना पूछे, लेकिन कोई माता जी मिल जाती है ना तो जरूर पूछती महाराज भोजन वोजन किए कि नहीं किए। और कुछ माता जी की इच्छा तो होती है कि ऐसे महाराजा में जो 2 किलो खीर से कम न पीते हो। ये परमार्थ की भावना भगवती श्री पार्वती ने सभी देवियों को बांट दिया। और तभी तो कह रही ऐसा कोई थोड़े चाहता है कि गाड़ी हम खरीदें वो बगल वाला लेके जाए चले, परमार्थ मकान हम बनावे रहे कोई दूसरा, ऐसा कोई नहीं सोचता। लेकिन माता श्री पार्वती कह रही है कि कथा महाराज मैं सुनूं और कल्याण हो सबका। जो कथा नहीं सुन रहे हैं अपने गृह कारज नाना जंजाला में लगे हुए हैं महाराज, उनका भी कल्याण हो ऐसा कौन सोच सकता है, ऐसा एक परमार्थी ही सोच सकता है, ऐसी कोई महान आत्मा सोचती है। माता श्री पार्वती ने तो यही कहा था महाराज, कथा जो सकल लोक हितकारी, सही पूछन चाह सैल कुमारी, कथा जो सकल सकल लोक, सत्य लोक का भी कल्याण हो, जल लोक का भी कल्याण हो, ए महादेव ऐसी कृपा करना महाराज कि तप लोक का भी कल्याण हो, भूलोक का भी कल्याण हो, भूर लोक का भी हो, महर लोक का भी हो, और महाराज धरती लोक वालों का तो कल्याण हो ही हो। अच्छा, इसका मतलब कंफर्म हो गया ना,
इसका तात्पर्य ये तो सिद्ध हो गया कि कथा चाहे जिस लोक में हो। आजकल एक कुछ बुद्धिहीन लोगों की बात नहीं सोचे सुने होंगे ना, लक्ष्मी पूजा भारत में होती है, पैसे वाले अमेरिका में होते हैं। अरे हमने कहा भारत की संस्कृति नहीं जानते हो, यहाँ पूरे विश्व के कल्याण की बात की जाती है, पूरे विश्व की अनुष्ठान भारत में होता, फायदा जापान का होता है। बोलो जय श्री हरि। और क्या पता जो बिल गेट्स है वो पहले भारत में ही पैदा हुआ हो, यहाँ पुण्य किया हो, बाद में अमेरिका में पैदा हो गया। देखे हो क्या, कोई कंप्यूटर है क्या देखने का? ये हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है, ये पूरे विश्व को परिवार मानती है। अगर गायत्री जब यहाँ होगा तो उसका पूरा लाभ नेपाल, चाइना, जापान, जर्मन, भले कोई एटम बम बनाता हो, कोई मार देने की तैयारी में हो, लेकिन ये भारत की संस्कृति ऐसी है जो पूरे विश्व का कल्याण चाहती है। अब माता श्री पार्वती वही याचना भी कर रही है कि कथा जो सकल लोक, सत्य लोक, जन लोक, तप लोक, भूलोक, भूर लोक, महर लोक, धरती लोक, सुताल, विताल, तलातल, रसातल, पाताल, सभी लोगों का कल्याण हो महाराज। बड़ी बढ़िया चौपाई कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछ मचा शैल कुमारी, सोई पूछ मचा शैल कुमारी, कथा जो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछ शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछ चल शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछ से कहा, कहिए सुनाइए। जब तक कथा चलती रही माता पार्वती एक आसन से बैठी रही, आजकल तो कथा में चाय भी चल जाती है बीच बीच में। हाँ कोई वीआईपी प्रोग्राम, कोई वीआईपी प्रोग्राम हो ना अच्छा वाला, कोई बड़े सेठ जी करावे, बड़े पैसे वाले करावे, तो ट्रे में चाय का गिलास भी बीच बीच में आ जाता। हमका हो गई कथा, बोलो सियावर रामचंद्र की। एक बार मैं एक जगह भागवत कर रहा था तो वहां तो कोल्ड ड्रिंक आ गया,